बड़ी और अहम खबर मुंबई से आ रही है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी गौरव आर्या को समन भेज सकती है। गौरव आर्या वही शख्स है जिसका नाम रिया चक्रवर्ती के साथ व्हाट्सएप चैट में सामने आया था। गौरव आर्या गोवा में रहता है और उसे ईडी समन भेज सकती है। दिवेश हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। दिवेश, किस तरीके से जिक्र गौरव आर्या का व्हाट्सएप चैट में पाया गया है जिसकी वजह से समन भेजा जा सकता है? जी मैं आपको बता दूं, गौरव आर्या वही व्यक्ति है जिनके साथ रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट्स, व्हाट्सएप मैसेजेस ईडी को मिले थे जब उन्होंने उनका फोन स्कैन किया था और वहां पर वो ड्रग्स के बारे में बात कर रहे थे, ड्रग्स के लेन देन के बारे में, नारकोटिक सब्सटेंसेस के लेन देन के बारे में बात कर रहे थे। इसीलिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अब मनी एंगल से रिलेटेड भी पूछताछ गौरव आर्या कर सकती है और अन्य जो भी नारकोटिक ड्रग्स के बारे में उनको मैसेजेस मिले हैं उस बारे में भी गौरव आर्या की पूछताछ कर रही है। हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि गौरव आर्या को जल्द ही समन किया जा सकता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा मुंबई के उनके दफ्तर में जहां पर उनसे पूछताछ की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया देवेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो सुशांत मामले में ड्रग्स कनेक्शन में जांच अब तेज हो गई है। ये नया कनेक्शन सामने आया है जिसमें गौरव आर्या का जिक्र रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट से पाया गया है। उन्हें अब ईडी का समन भेजा जा सकता है। अमित त्यागी हमारे संवाददाता सिर्फ रिया के घर के बाहर से मौजूद है। अमित, वहां पर क्या हलचल आप देख पा रहे हैं? क्योंकि रिया का वर्ल्ड सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आज तक के पास है जो कि हम डिटेल में भी दिखाएंगे। कुछ अंश हमने दिखाए जिसमें रिया अपनी सफाई में बहुत कुछ कह रही है। वो यूरोप टूर का जिक्र कर रही है जहां पर सुशांत की मानसिक स्थिति बिगड़ गई थी। लगातार वो अपनी वही बात दोहरा रही है जो शुरुआत से वो कहती आई है। जी हाँ, इस वक्त आज जहाँ मैं खड़ा हूँ रिया के घर पर, आज उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि खबर आ रही है कि आज ईडी से लेकर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट सब लोग रिया से पूछताछ करने वाले हैं और हमारे खास इंटरव्यू में रिया खुलासा करेंगी। इस वक्त अपने घर पर है और बता चुकी हैं जो हम दिखा रहे हैं। तो आज एक बड़ा दिन है रिया के लिए, लेकिन वो जैसे कि इंटरव्यू में कुछ खास बोल नहीं रही हैं, लेकिन अब उन्हें बोलने का वक्त आ गया है क्योंकि अभी मामला केवल सुशांत की मौत से ना पहुंचकर ड्रग्स और अन्य मामलों में चला गया है। तो रिया का बोलना ये बहुत सारी गुत्थियां खोल सकता है सुशांत सिंह राजपूत के इस मौत के केस में। तो उम्मीद है कि रिया कुछ खुलासे करे और रोशनी डाले कि आखिरकार ये गुत्थी क्यों इतनी उलझ रही है और क्या था सच। तो रिया का सच बोलना बहुत जरूरी है।